आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा होता है ना कि जब आप जंक फूड खा रहे होते हैं और बहुत आपने खा लिया हो, कई दिनों तक आप खा रहे हो, तो आप खुद से एक स्टेज के बाद वादा करते हैं कि चलिए आज से तो जंक फूड बंद कर देते हैं, अब नहीं खाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब जैसे कल ही मैं ऑफिस में काम कर रही थी और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब मैं खुद को ये समझा रही थी कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब हुआ यूं कि मैं ऑफिस से तो निकल गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे कुछ खाने की क्रेविंग होने लगी। मेरा भयंकर मन होने लगा कि मैं एक बर्गर या मोमोज या कुछ भी कर खा लूं। और ये हालत तब थी, आप मानेंगे नहीं, जब मैंने कुछ देर पहले ही लंच किया हुआ था। अब कैसे भी खुद को समझा तो लिया और जंक खाने से खुद को रोक लिया। ये स्ट्रगल रोज का है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कभी आइसक्रीम खाने का मन, तो कभी पिज्ज़ा, तो कभी चॉकलेट चिप्स वगैरह वगैरह। और इन सब के खाने का टाइम भी अलग अलग होता है। किसी को मिडनाइट क्रेविंग होती है, यानी रात में अचानक से मन करता है ये सब चीज़ें खाने का, तो कोई सुबह ही उनको क्रेविंग होती है, तो किसी को दोपहर को। हर पहर आप इससे परेशान रहते हैं। और ये भी जाहिर सी बात है कि जब हम बिना किसी कंट्रोल के कुछ भी खाएंगे जो हमें उस वक्त नहीं खाना चाहिए, तो हमारे हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ता ही है। तो मैंने सोचा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्यों हमें ये बार बार भूख लगती है जब हम कुछ देर पहले ही हमने भरपूर ब्रेकफास्ट किया हो, लंच किया हो, डिनर कर लिया हो। और दूसरी बात ये कि जब इस तरह की क्रेविंग होती है, आप नोटिस करेंगे, जब आपको भी होगी तो आप इसे गौर करिएगा, हम हमेशा जंक फूड की तरफ बढ़ते हैं, है ना। मतलब उस वक्त हमें सिर्फ समोसे की याद आती है, हमें छोला भटूरे खाने का मन करता है, मोमोज खाने का मन करता है, और भी कई चीज़ें हैं इस लिस्ट में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम इन्हीं सब सवालों पर बातचीत करेंगे और ये पता करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा होता है और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे सेहत पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। तो नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। तो आमतौर पर लोग दिन भर में 3 से 4 बार खाना खाते हैं और हेल्दी रहने के लिए 3-4 मील्स ज़रूरी भी हैं। पर आप ये सुनिए कि कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि 90% लोग हर फुल मील के बाद उन्हें भूख लगती है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ रात में होती है कि आप सोने के लिए लेट गए हों, नींद आ गई हो और फिर भी आधी रात में भूख की वजह से आपकी नींद खुल गई हो। इस तरह की समस्याएं, जैसे कि मैंने कहा, हर पहर में होती है। लोग दिन में 6-7 बार खाना खाते हैं, वो भी उठपटांग खाने जो आपको नहीं खाने चाहिए। हर थोड़ी देर में भूख लगना, खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ नहीं लगना, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खाने का मन करता है, तो जाहिर सी बात है ओवर ईट करने की वजह से वजन भी बढ़ेगा। तो अगर आप भी इस फूड क्रेविंग से डील कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसे बाहर निकले, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करें कि ये सारे जंक फूड की तरफ हम ना बढ़ें, तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मीनल शाह, वो जुड़ गई हैं। डॉक्टर मीनल शाह का परिचय ये है कि ये फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट है। तो आपके डाइट में क्या होना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, इसका पूरा हिसाब किताब जो है वो आपको अच्छे से बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीनल शाह आपका आज तक रेडियो पर। बिल्कुल ठीक खुशबू, थैंक यू सो मच। जी जी डॉक्टर मीनल, तो मेरा सवाल तो आपसे सबसे पहले तो ये होगा, हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो टॉपिक है हमारा फूड क्रेविंग, मैं पढ़ रही थी जैसे कि कई रिसर्च और स्टडीज़ बताती हैं कि 90% लोग जो हैं उन्हें फूड क्रेविंग होती है, तो आपको भी फूड क्रेविंग होती है, और होती है तो मतलब कैसे आप हैंडल करती हैं उसे? सो क्रेविंग्स नहीं होती है ज़्यादा, बट हाँ ये ज़रूर होता है कि हमारा भी खाना काफ़ी लेट हो जाता है शाम के टाइम पर। तो हमारा क्रेविंग्स का पहला सोर्स यही आता है कि जब हमारा डिनर रात का खाना बहुत लेट होता है और फिर हमको वो खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमें और भी कुछ खाना चाहिए, फिर हम डेजर्ट्स खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं, प्रोबेबली मिल्क शेक हो गया या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। सो दैट इज हाउ वो एक के बाद एक चीजें पाइल अप हो जाती है। सो हाँ, हमारा भी होता है शेड्यूल की वजह से काफी लेट हो जाता है रात का खाना, और वो फिर बाकी सारी चीजों का एक बैकलॉग आ जाता है कि ये चालू किया, फिर ये लिया, फिर वो लिया। तो जरूरी ये है कि हम भी कोई कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके तब हमको खाना थोड़ा जल्दी खत्म कर लेना है। तो अगर आप बीच में एक ब्रेक लेके उसको जल्दी खत्म कर सको तो बेहतर है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि नॉट ओनली क्रेविंग्स, मतलब वो जब हम खाना शुरू करते हैं तब हम रुक नहीं पाते हैं, और दूसरा ये जो भी हम चीजें शाम के टाइम पे खाते हैं वही चीज अगर हम सुबह खाए तो इतना नहीं कैलोरी बिल्डअप होता है, इतना नहीं अपना फैट कंजम्पशन या
जो लाइफ शरीर में हमारे जो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जब हम यही चीज सुबह अगर खाते हैं तब इतनी नहीं वो फैट परसेंटेज बढ़ती है अपने शरीर की जितनी हम अगर वही चीज रात को लेट खाए तो, क्योंकि अपना पूरा हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल या एंजाइम्स के चेंजेस हो जाते हैं शरीर में, काफी सारी चीजें चेंज होती है जिसकी वजह से हम वो बर्न भी नहीं कर पाते हैं, तो डिपॉजिट ज्यादा होता है। और दूसरा लाइक ए सेड, एक क्रेविंग के बाद पीछे दूसरी क्रेविंग, तो वो हम एक के बाद एक चीजें कंटिन्यू कर देते हैं, तो वन थिंग लीड्स टू अनदर, वैसा हो जाता है कि खाना शुरू किया बट फिर हम रुक नहीं पाए। जी, हम जब किसी चीज के लिए मतलब खाने के लिए जब क्रेव करते हैं, चाहे वो आपकी चॉकलेट हो गई, चाहे वो आपकी आइसक्रीम हो गई, चाहे पिज्जा हो गया, या फिर मतलब कोई और चीजें भी इसमें हम इंक्लूड करें, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए जब हमें क्रेविंग होती है, तो ये बहुत जरूरी सवाल लोगों के मन में आता होगा जो इससे परेशान होंगे या फिर अपने आप को कंट्रोल करते होंगे बट वो कंट्रोल नहीं हो पाता होगा. तो एक सवाल तो सबके मन में आता होगा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि हमें कोई चीज को लेकर जो है वो बहुत तेज क्रेविंग होती है, जब तक ना मिले तब तक ऐसे लगता है कि पेट में मतलब भर के खा लिया है बट जो पेट है वो भी खाली लग रहा है और कुछ खा सकते हैं. तो ये क्यों होता है, मतलब इसके इसके पीछे की वजहें क्या होती हैं? इसके पीछे ना खुशबू एक्चुअली एक साइंटिफिक रीजन है। बकायदा जो रिसर्च करा गया था हार्वर्ड में, वो लोग ने ये रिसर्च करके ये रिजल्ट्स दिए हैं कि हमारे एक शरीर में एक हार्मोन होता है लेप्टिन करके। लेप्टिन एंड ग्रेलिन दो हार्मोन्स ऐसे होती है जो हमारे सेटाइटी को ये करता है, यानी जो हमारा पेट भर गया वाला फीलिंग आता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। बाई रिसर्च ये पता चला है कि शाम के टाइम पे ये जो दोनों हार्मोन्स है वो काफी कम हो जाते हैं। इसके लिए हम जितना भी खाए वो पेट भरा है या दिल भर के खा लिया है वो वाला फीलिंग हमें बहुत जल्दी नहीं आता है, वो काफी लेट आता है। हम खाना वही खाना अगर हम सुबह खाए तो हमारा पेट भर जाता है, वी फील सैटिस्फाइड, बट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द हार्मोन लेवल्स, क्योंकि शाम को वो काफी कम हो जाते हैं शरीर में, इसके लिए हमें वो सैटाइटी वाला फीलिंग ही नहीं आता है। इसके लिए हम वो खाना कंटिन्यू कर लेते हैं जिसकी वजह से आधी से ज्यादा दिक्कत शुरू होती है। तो कंपेरिजन में वही चीज अगर हम सुबह खाए तो विल बी मच बेटर। ठीक है. और जैसे लेकिन लोगों में ये जो है ना, इट्स वाइडली बिलीव्ड कि जो क्रेविंग्स है वो हमारी बॉडी का एक तरीका है ये सिग्नल करने का कि आपके अंदर कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है जिसकी कमी है, तो आप मतलब आप क्रेव करते हो किसी चीज़ के लिए, मतलब ये बॉडी का एक सिग्नल देने का तरीका है. और दूसरा ये हाँ, इसमें एक लेकिन एक और ये भी है प्रेग्नेंट वुमेन का भी, और जब प्रेग्नेंट वुमेन को क्रेविंग्स होती है तो लोगों में ये बहुत ही वाइडली परसीव्ड ये नोशन है कि उनकी बॉडी ये सिग्नल देती है कि उनकी बेबी को कुछ चाहिए, जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको कुछ चाहिए, मतलब ये जो चीजें हैं ये बहुत, तो ये कितना सही है, लाइक ये कंफ्यूजन सबके मन में होगा कि भैया सच में मैं अगर मान लीजिए कि कोई पतला है जिसके बॉडी मास नहीं है उसको क्रेविंग हो, तो वो तो यही समझेगा कि खा रहा हूँ तो अच्छी बात है, तो मैं मोटा हो जाऊंगा चाहे मेरी हेल्थ, मतलब इस तरीके की जो परसेप्शन है ये कितनी सही है, अगर आप समझा सकें. जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल माना गया है कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि यू आर मिसिंग समथिंग, बट बायोलॉजिक वो क्रेविंग मेरे को फिर रात को आधी रात को नहीं होगी, पूरे दिन में कभी भी होनी चाहिए। मतलब वो डेफिशिएंसी मेरे को रात को नहीं प्रेसिपिटेट होती, वो मेरे को कभी भी हो सकती है। तो हाँ, ये है क्रेविंग्स कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आप शायद आइस खाएंगे या मिट्टी खाते हैं, वो बिल्कुल होती है, या फिर वैसी चीजें होती है कि जब शरीर में कोई विटामिन कम हो तो वी क्रेव फॉर थिंग्स, अग्रीड, बट दैट हैपेंस पूरे दिन। वो आधी रात को अगर हम क्रेविंग हो रही है तो वो क्रेविंग बस मेरे खाने की क्रेविंग है। और रही बात प्रेग्नेंट लेडीज की, तो यस, प्रेग्नेंट लेडीज को भी क्रेविंग्स होती है, बट अगेन दैट इज हार्मोन रिलेटेड, तो हम मना नहीं करते उनको चीजें खाने के लिए जब तक वो अनहेल्दी ना हो, वो बिल्कुल खा सकते हैं क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस काफी अलग टाइप अलग ये जोन में होते हैं, तो उनको हो सकती है आधी रात को क्रेविंग या अर्ली इन द मॉर्निंग, बट अगेन माई लॉजिक बीइंग वो क्रेविंग मेरे को कभी भी हो सकती है। ये ऐसी क्रेविंग्स नहीं है कि आधी रात को उठ के ही होगी, ये हॉर्मोन्स यहाँ पे ही चेंज होने वाले हैं। सो हर बॉडी डिफरेंट हो जाती है, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट जोन एंड हॉर्मोनल चेंजेस हैपन वेरी डिफरेंटली, वो हर चीज का, हर बंदे का, हर विमेन का, हर इंसान का अलग होता है। सो हम बोलते हैं बिल्कुल सुनो वो क्रेविंग्स को, उसको इग्नोर नहीं करनी है, बट कहीं ना कहीं हमें एक फिल्टर लगाना है कि इज दिस वन नीडेड, और दूसरा कि ये क्रेविंग ही है या सिर्फ ये मेरे को खाने की इच्छा है, कि वो हम एडिक्ट हो जाते हैं ना किसी जंक फूड या फिर आधी रात को खाने के, ये वो एडिक्शन नहीं है या बोर्डम नहीं है जिसके लिए हम खा रहे हैं।
काम करते करते कुछ खाना पॉप कर लिया, तो वो मतलब काफी बार ये भी होता है कि क्रेविंग नहीं बोर्डम है कि बस कुछ नहीं तो खा लो वैसे। और मतलब जब आप फूड क्रेविंग को एक्सपीरियंस करते हैं तो एक बात इसमें बहुत जो एक कॉमन पाई जाती है कि जब भी फूड क्रेविंग्स हो रही हो आपको तो आप हमेशा जो हायर कैलोरी फूड्स है ना हम उसकी तरफ बहुत बढ़ते हैं जब क्रेविंग होती है। तो जैसे मैंने नाम लिया दो तीन मेरे, क्योंकि ये जबान पर ही है कि अच्छा क्रेविंग हो रही है तो आपको पिज्जा आइसक्रीम चॉकलेट और ये सब चीजें खाने का मन करेगा। तो मतलब क्यों ऐसा होता है कि जब क्रेविंग होती है तो हम हाई कैलोरी फूड्स की तरफ ही बढ़ते हैं, मतलब ये क्यों है, मतलब इसके पीछे की क्या वजह है? Yes, इसके पीछे भी अगेन एक साइंटिफिक रीजन है कि ये जो अपने हाई कैलोरी फूड्स है वो हाई कैलोरीज इसके लिए है क्योंकि या तो उसमें फैट ज्यादा है या तो उसमें कार्ब ज्यादा है। दोनों चीजें, फैट ज्यादा खाने के बाद हमें वो सैटाइटी वाला फीलिंग आता है कि पेट भर गया, और कार्ब ज्यादा आने के बाद अपना सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है विच गिव्स यू अगेन दैट फीलिंग ऑफ कामनेस, जो हमें नींद आती है वो इन सारी चीजों के खाने के बाद आती है। तो वो हमारा शरीर ऑलरेडी ट्रेंड एंड ट्यून्ड है कि ये चीज खाने से मेरे को ऐसा लगेगा। तो जब हम क्रेव करते हैं तो हम ऐसी चीजों से क्रेव करते हैं जिससे या तो मेरे को अच्छे से कामनेस या ये कामनेस का फीलिंग आएगा विच इज आफ्टर ईटिंग अ हाई कार्ब मील, और सैटाइटी का फीलिंग आएगा जो विच वुड बी आफ्टर अ हाई फैट मील, तो आपका पिज्जा बर्गर सारी चीज में आ जाती है। बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमारे शरीर ने खाया हुआ है और हमें पता है कि दिस इज हाउ द बॉडी इज गोना रिएक्ट, तो हम वही चीज ऑटोमेटिकली चूज करते हैं। कोई भी आधी रात को फूड के फ्रूट्स क्रेव नहीं करेगा, खाएगा आउट ऑफ प्रेफरेंस बट क्रेव डेफिनेटली नहीं करेगा क्योंकि दैट इज जस्ट अनदर फूड आइटम। जी, और आपने इसमें ये जिक्र किया था कि जब आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपको ये जस्ट क्रेविंग हो रही है या फिर आप किसी चीज को लेकर अडिक्ट हो, ये जो आप लाइन अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर आगे चलकर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा बता पाएं कि ये किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं अगर हम अपने जो क्रेविंग्स है उसको हैंडल नहीं करते हैं अच्छे से। तो बिल्कुल, तो एक्चुअली स्पीकिंग जो ये नाइट में खाने वाली चीज है इसको भी एक सिंड्रोम बोला गया है, नाइट ईटिंग सिंड्रोम। जब हम आउट ऑफ कंपल्शन और आदत खाते हैं, नॉट बिकॉज हमको क्रेविंग भूख लग रही है या फिर शरीर को उसकी जरूरत है, दैट्स एक्चुअली अ हैबिट, वो एक आदत लग जाती है हमें। तो इस रात को खाने की आदत की वजह से काफी बार ये होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम कैलोरीज कम बर्न करते हैं, रात को हम जो खाते हैं वो इतना नहीं बर्न होता है जितना हम मॉर्निंग में जो चीज खाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि शरीर भी वो चीज बर्न नहीं करता, और दूसरा बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी, हम रात को कोई एक्टिविटी नहीं करते। जब हम मॉर्निंग में घूमते हैं फिरते हैं तब हमारी कैलोरीज थोड़ी बर्न हो जाती है। जब हम रात को लेट नाइट मील्स खाते हैं या लेट नाइट स्नैक्स लेते हैं, वी आर नॉट गोना बर्न इट, सो वो बाय डिफॉल्ट मेरा कैलोरी इनपुट बढ़ा रहा है और वो सारा मेरा फैट स्टोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स आगे जाके मेरे को मोटापा ओबेसिटी की तकलीफ आने वाली है, एंड ओबेसिटी के साथ या फिर मेरा जब बॉडी वेट बढ़ता है तब मेरा बीएमआई बढ़ता है, तो बीएमआई के साथ मेरे को बाकी सारी दिक्कतें आएगी जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, डिसलिपिडीमिया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होना, तो हार्ट ओबेसिटी या फिर लिवर फैटी लिवर, ये सारी चीजें मेरी आगे जाके प्रेसिपिटेट होने वाली है। तो वो छोटी छोटी चीज आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, एंड एक चीज से दूसरी होती है। वजन बढ़ने से मेरा शुगर भी डीरेंज हो सकता है, मेरा शुगर के अलावा थायराइड लेवल्स पे भी मेरा कुछ असर पड़ सकता है, एट द सेम टाइम हार्ट पे फ्लैग्स ये प्लाग्स बढ़ने की वजह से दैट कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, कार्डियक कंडीशन हो सकता है, एंड ये सारी चीजें प्रेसिपिटेट होके इवेंचुअली बॉडी प्रॉब्लम में आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो मिडनाइट स्नैकिंग वाला सिंड्रोम है या मिडनाइट में खाने वाला जो सिंड्रोम है उसकी वजह से हम आगे जाके बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्रेविंग को और वर्स जो है वो डाइटिंग कैसे बनाते हैं, क्योंकि आजकल लोग डाइटिंग भी बहुत ट्रेंड में है, लोग डाइट करना पसंद करते हैं, पर कैसे डाइटिंग भी आपकी क्रेविंग्स को और बुरा बना सकती है या फिर मतलब नहीं बना सकती है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे सके जो डाइट कर रहे हैं। तो अगर बिल्कुल, सो डाइटिंग अच्छी चीज है, वी वुड नॉर्मली से डाइटिंग इज अ गुड थिंग इफ यू डू इट राइट। तो जब हम डाइट करते हैं तब ये नहीं करना है कि आग बंद करके कुछ भी फॉलो करे या फिर पूरा खाना बंद कर दे, तब जाके ये बैकफायर करेगा नाइट क्रेविंग्स करके। अगर हम पूरा दिन खुद को स्टार्व कर रहे हैं या फिर खा ही नहीं रहे और नॉर्मल चीजें जो अपनी जानी है उतनी भी अगर नहीं जा रही है शरीर में, तब अपना मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी भी आएगा, और दूसरा तब पूरा दिन जब हमने कंट्रोल किया है लेकिन थक हार के जब हम रात को घर पे बैठते हैं
तब वो भूख लग जाती है, तब जो हाथ में आया वो हम खा लेते हैं। हाँ। ये भी बकायदा बाय रिसर्च प्रूव हुआ है कि जब हम भूख लगती है, जब हम फास्टिंग या स्टार्वेशन फेस में रहते हैं, तब हम सही गलत नहीं सोचते, हम हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल रहेगी हम सीधी उसको खा लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, क्योंकि तब हमें भूख लगी रहती है तो तब हम स्ट्रेट नहीं सोच पाते। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अंधाधुनी डाइटिंग ना करें। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, जो मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ डाइट्स अवेलेबल है, तो जो चीज आपके लिए सही है वो किसी से बकायदा लिखवा ले, फॉलो रजिस्टर्ड डाइटिशियन, कॉन्टेक्ट देम, वो आपके लिए अच्छे से बना के देंगे प्लान इन अ वे कि आपको भूख ना लगे और मिडनाइट क्रेविंग्स तो आए ही ना। पर अगर आप पूरे दिन स्टार्व करने वाले हो या फिर कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो खाने पे कि आज सब सलाड खा के हमने डिनर निकाल लिया, तो वो आधी रात को उठ के भूख लगने वाली है, एंड तब हम पूरे दिन में जो हमने फास्टिंग किया या स्टार्विंग किया है वो सारा हम रात के एक स्नैक में पूरा उड़ा देंगे। सो वी गोना नलिफाई द एंटायर डेज इफेक्ट। जी, और डॉक्टर मीनल, जैसे आजकल की जो हमारे लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस, टायर्डनेस और एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, जो घंटों अगर ऑफिस में बैठकर डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, आपके मतलब डॉक्टर्स जो हैं मतलब उनका शिफ्ट तो खैर मतलब कुछ तय होता नहीं है कब क्या इमरजेंसी आ जाए, तो कई सारी वजह हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम काम करते हैं उसकी वजह से ये स्ट्रेस, टायर्डनेस और एग्जॉशन होना लाजमी है, लेकिन इन सब का हमारी क्रेविंग्स पर क्या कनेक्शन है, कितना लिंक करता है ये कि जितना ज्यादा स्ट्रेस, जितना ज्यादा टायर्डनेस, जितना ज्यादा एग्जॉशन, उतना ही ज्यादा किसी खाने को लेकर क्रेविंग्स भी बढ़ता है। आप तो अगर आप इसका लिंक समझा सके, इसका कनेक्शन क्या है इससे? बिल्कुल, इसका कनेक्शन भी टू अ सिमिलर फीलिंग है कि जब हम ये जो हाई कैलोरी हाई फैट वाली चीजें खाते हैं, लाइक आई सेड, इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ सैटिएटी और कामनेस, क्योंकि वो या तो मेरा शुगर लेवल्स इंक्रीज हो गया, सेरोटोनिन लेवल्स इंक्रीज हुआ है, मतलब वो जो सैटिएटी है या फिर वो जो कामनेस है ना, दैट इज व्हाट पीपल क्रेव फॉर आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे। इसके लिए बोलते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड ईटिंग, कि जब हम वो खाते हैं तो हमें वो वी फील दैट कामनेस एंड रिलैक्सेशन। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो कामनेस एंड रिलैक्सेशन सिर्फ खाने से नहीं आने वाला, वो बहुत अलग अलग चीजें करके भी आ सकता है। सो वो हमें लिंक ब्रेक करना है कि यस, ये चीजें खाके, चॉकलेट खाके कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ द शुगर रश और बिकॉज ऑफ द फैट परसेंटेज वो शांत हो जाते हैं, वो जितनी एग्जाइटी है, जितनी स्ट्रेस है पूरे दिन की, वो निकलती है वहां पे, एंड दैट इज जस्ट नॉट लिंक टू फूड। वो स्मोकिंग भी हो सकता है और वो अल्कोहल भी हो सकता है, वो सारी चीजें हमें लगता है कि वो डिस्ट्रेसर, हमारा दिमाग शांत करने का काम करती है, बट वो एक टेम्पररी रिलीफ है। सो वी नीड टू लुक फॉर ऑप्शंस जहाँ पे वो टेम्पररी नहीं, परमानेंटली मेरे को स्ट्रेस कंट्रोल करने में मदद करे। तो उसके लिए हमें ये रियलाइज करना है कि ये स्ट्रेस ईटिंग है, और वो साइकिल ब्रेक करके कोई और अल्टरनेटिव चूज करना है, विच कैन बी एनीथिंग, लाइक मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। इट कैन बी अ सिंपल बुक रीडिंग और अ गेम ऑल्सो, जो हमें बेटर लगे, वॉट वी लाइक, हम वो चीज कर सकते हैं, तब जाके वो ब्रेक होगा। जी, और एक बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि ये जो क्रेविंग्स है उससे कैसे कोप अप कर रहे हैं? जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब इस तरह का आपने खाना खा लिया दोपहर में और अचानक से आपको एक दो घंटे बाद कुछ और खाने का मन किया जो आपको उस वक्त नहीं खाना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए, तो कई बार मैंने ये सुना है जो कोप अप का लोग जैसे घर में ही ऐसे बता देते हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं, मुझे आइडिया नहीं, मैं आपसे इसी पे क्लैरिटी चाहती हूँ कि अच्छा तुम्हें क्रेविंग हो, मतलब ये हो रही, ये खाने का मन कर रहा है, अभी सही वक्त नहीं है, तो तुम पानी पी लो, उससे जो क्रेविंग्स है वो थोड़ी बहुत वो खत्म हो जाती है, आप नहीं खाते हैं। तो ये जो अप्रोच है, मैं बस आपसे ये एक्स्ट्रा सवाल है जो मैं इसमें पूछ रही हूँ, क्योंकि इस पर मुझे भी क्लैरिटी चाहिए, और अक्सर ऐसा हुआ है कि वो असर भी करता है, क्या पता, मतलब अगर आप इस पे थोड़ा सा बता पाएं कि क्या सच में ऐसा होता है, मतलब क्या तरीके और हो सकते हैं कोप अप करने का, उससे ध्यान भटकाने का, कि अच्छा मन कर रहा है तो कुछ और कर लेते हैं, तब तक ध्यान भटक जाएगा, फिर आप आप वो नहीं खा पाएंगे जो आपको नहीं खाना चाहिए उस वक्त। राइट, सो है ये तरीका पानी पीने का, तो पानी या हम कोई भी लिक्विड्स भी बोल सकते हैं, जैसे एक ग्लास नींबू पानी या छाछ भी चलेगा। सो द थॉट इज कि एक अगर आपने खाना पूरा खाया है, यू हैड अ फुल मील, और आप एक थोड़े देर बाद वापस कुछ खाने की इच्छा रखते हो, तो यू डोंट नीड दैट फूड, आप पूरा खाना खा के बैठे हो। सो इवन इफ यू क्रेव इट, यू डोंट नीड इट, आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी, मैं खाना अगर खा के इफ आई क्रेव फॉर समथिंग, आई डोंट थिंक दैट्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इफ यू हैड अ प्रॉपर मील। तो वो एक सिर्फ एक आदत है, हैबिट है, या फिर सिर्फ वो ना मन या इच्छा है कि हमें ये चीज करनी है,
एंड द बॉडी डजंट नीड इट. तो पानी या ऐसा कुछ पीना वो फिलर का काम कर देता है, क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है. तो जब हम पानी पीते हैं उसके ऊपर तो काइंड ऑफ एसेंशियली पेट पूरा फिल कर देता है, तो हमें वो खाने की इच्छा नहीं रहती. सो पहली चीज है वाटर वॉक्स, नो प्रॉब्लम्स विद दैट. पर दूसरा ये कि आइडेंटिफाई करें कि वो एक्चुअली क्रेविंग है, वॉज द मील इनसफिशियंट, कि हमने सिर्फ रोटी सब्जी खाई है इसके लिए मेरे को भूख लग रही है, और प्रॉपर मील था और फिर भी भूख लग रही है. तो पहले वो हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर हंगर है क्योंकि हमने ठीक से खाना नहीं खाया था, या फिर जस्ट अ बिहेवियर है कि वो खाने के बाद कुछ खाने की आदत होती है वैसी, कि या फिर कोई स्नैक दिखे और खाने की आदत है. तो पहले आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, फिर हम वो ट्रिगर को ब्रेक कर सकते हैं. पैटर्न है, बिहेवियर है, उसको ब्रेक करने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है कि नहीं. और दूसरा ये कि हर चीज प्लान करके खानी है, बिकॉज लाइक आई सेड, अगर मैंने सिर्फ रोटी सब्जी खाई है और दैट इज द रीजन वाई कि मेरे को आधे पौने घंटे बाद वापस भूख लग रही है, तो प्रोबेबली वो खाने में चेंज करने की जरूरत है. तो प्लान करना जरूरी है, हर चीज आपकी प्लान्ड होनी चाहिए. तो लंच है, डिनर है, वो टाइमिंग एंड द मील, द एंटायर मील हैज टू बी प्लान्ड, सो दैट कि मैंने अगर वो प्रॉपर मील खाया है, लंच प्रॉपर किया है या डिनर प्रॉपर किया है, क्योंकि आप मिड नाइट स्नैकिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरे को भूख नहीं लगेगी, बिकॉज आई हैव मेड अ मील, डिनर ऐसा ही रखा है मैंने कि वो मेरा पेट भरेगा और मेरे को दो घंटे बाद भूख नहीं लगेगी. और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, देन यू कैन डेफिनेटली अप्रोच अ प्रोफेशनल, बिकॉज दे विल बी एबल टू फिगर आउट की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है. और अगर स्ट्रेस है उसकी वजह से हमको वापस खाने की इच्छा हो रही है, तो लाइक वी सेड हमको स्ट्रेस ब्रेक करना है. और स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए कोई रिलैक्सेशन टेक्निक इंक्लूड करनी है, लाइक सिंपल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. एंड ये भी एक बैकअप मैकेनिज्म रख सकते हैं कि घर ऐसी कोई चीज ज्यादा स्टॉक करके ना रखे जो हमें आगे जा के प्रॉब्लम करेगी, एज इन चॉकलेट्स है या फिर वैसी कोई स्वीट चीज है या जंक फूड है, उसको ज्यादा ना स्टोर करे. तो खाया तो भी विल हैव इट इन मॉडरेशन अंटिल यू गेट हेल्थ, दैट इज. सो बोर्डर मीटिंग जो होगा एटलीस्ट हम उसको अवॉइड कर पाएंगे. अगर मेरे पास चॉइसेस ही नहीं है घर पे खाने के लिए, तो आई विल बाय डिफॉल्ट हैव समथिंग लाइक आइदर मिल्क और वाटर एंड गो ऑफ टू स्लीप. तो वो मेरे को एक ऑप्शन अपना रिस्ट्रिक्ट करना है कि अगर इफ आई गिव अवे टू अ क्रेविंग कि मैंने चल मन कर लिया खाना ही खाना है, मेरे पास ऑप्शंस भी लिमिटेड होने चाहिए ताकि मैं ज्यादा नुकसान ना करूं. थैंक यू सो मच डॉक्टर मिनर्शा. थैंक यू सो मच खुशबू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट. आपको कैसा लगा? आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर. अब आपसे अगले हफ्ते इसी दिन मंगलवार को मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो. नमस्कार. कहानियों का मौसम लौट आया है. किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास. किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर. हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स. स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो.